जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम अगले कुछ दिनों में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करने वाली है, और हम आपको यहाँ एक रोचक बात बता दें कि ये दौरा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत आएगी, लेकिन ये आपको कहीं किसी कार्यक्रम में या आईसीसी के किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं देगा आपको ये वाला कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है भारत आ रही है। बिल्कुल सच है जनाब, क्योंकि वो यहाँ पर भारत से खेलने नहीं आएगी, ये टीम अफगानिस्तान से खेलने आएगी, और अफगानिस्तान से भी कहाँ, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। जी हाँ, एक नया वेन्यू है ये, और जो है बीसीसीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है, और जो है अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है, जो पहले कभी ग्रेटर नोएडा हुआ करता था और उसके बाद जो उसका होम ग्राउंड है देहरादून होने लगा, और उसके बाद जो है जब देहरादून में वेस्ट इंडीज़ को बुलाने की बात चली तो आईसीसी के जो नॉर्म्स हैं वो सामने आ गए, आड़े आ गए, क्योंकि आईसीसी के नॉर्म्स के अनुसार वहाँ पर वेन्यू पर एक वेन्यू के नज़दीक एक 5-स्टार होटल का होना बहुत ज़रूरी है। देहरादून में कोई 5-स्टार होटल नहीं था, इसके लिए उन्होंने अप्लाई किया बीसीसीआई को, और बीसीसीआई ने उनको नाम सुझाया लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बारे में, और उसके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसने बिल्कुल रजामंदी जाहिर कर दी है। अब जो है यूपीसीए यानी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और उनका ये मामला है, और साथ ही इकाना स्टेडियम का जो प्रशासन है उनको बैठकर इसकी शर्तें तय करनी है। शर्तें क्या होंगी ये तो अगले कुछ दिनों में तय हो जाएंगी, लेकिन इतना तय है कि अब ग्रेटर नोएडा और देहरादून के बाद जो अगला होम ग्राउंड बनने जा रहा है अफगानिस्तान का वो है लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जहाँ पर अफगानिस्तान की टीम खेलेगी वेस्ट इंडीज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।